नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मिडिल क्लास को लोन बांटने पर फोकस, जानिए आरबीआई के ऐलान का किसे कितना फायदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिपो रेट में कमी का ऐलान किया है। कोरोना से पस्त इकोनॉमी को एक और बूस्टर देने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को एक बार फिर मीडिया के सामने आए। कोरोना काल में नौकरी जाने और सैलरी कटौती के डर के बीच आरबीआई ने एक बार फिर लोन बांटने पर ज्यादा जोर दिया है। आइए जानते हैं आरबीआई गवर्नर के बड़े ऐलान और इसके असर के बारे में। सस्ता होगा लोन और ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। दरअसल रेपो रेट कम होने के बाद बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा। इस हालात में आप सस्ती दर पर टर्म लोन ले सकते हैं। वहीं अगर ईएमआई दे रहे हैं तो भी इसमें बचत होगी। बता दें कि इसमें होम और ऑटो समेत अन्य रिटेल लोन शामिल है। लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। मतलब ये कि लॉकडाउन में अब तक आरबीआई ने 1% से ज्यादा रेपो रेट में कटौती की है। जाहिर सी बात है, इस कटौती से लोन सस्ता होगा, लेकिन नौकरी जाने और सैलरी कटौती के बीच इस छूट का कितना फायदा उठाया जाएगा ये देखना है। ईएमआई पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। दरअसल आरबीआई ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैंकों को 3 महीने तक ईएमआई में छूट देने को कहा था। इसके बाद अधिकतर बैंकों ने इसे 3 महीने के लिए लागू कर दिया था। अब आरबीआई के नए ऐलान के बाद ग्राहकों को कुल 6 महीने की छूट मिल जाएगी। मतलब यह कि आप कुल 6 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देना चाहते हैं तो बैंकों की तरफ से आपको कोई दबाव नहीं पड़ेगा। वहीं आपका क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहेगा, यानी बैंक के नज़र में आप डिफाल्टर नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त ब्याज देना होगा। दूसरी छमाही में घटेगी महंगाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण मुद्रा स्फीति का दृष्टिकोण बेहद अनिश्चित है, साथ ही दालों की बढ़ी कीमतें चिंता का विषय हैं। साल की दूसरी छमाही में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। नेगेटिव रहेगी जीडीपी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी को लेकर चिंता जताई और कहा कि वित्त वर्ष 2021 में गिरावट आएगी और यह नेगेटिव रह सकती है। आरबीआई की ये आशंका अगर सच में बदलती है तो भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। राजस्व बहुत अधिक प्रभावित। शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से सरकार का राजस्व बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। हालांकि 2020-2021 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $9.2 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी $487 बिलियन का है। यह राजकोष के हिसाब से अच्छी खबर है। धन्यवाद, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।